शर्मा द्वारा निर्देशित नाटक पांसे के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आप जानते हैं कि राजेश जोशी प्रख्यात कवि हैं, उन्होंने कहानियां और उपन्यास और आलोचना में भी काम किया है, लेकिन उनके नाटक जादू जंगल, अच्छे आदमी, तुम सहादर प्रशासन मंत्रो हो, पांसे, सपना मेरा यही सखी, कहन कबीर, हमें जवाब चाहिए और कुछ टेली फिल्म आदि की रचना उन्होंने की है। तुक्के पर तुक्का और टंकारा का गाना प्रख्यात निर्देशक बंसी कौल के साथ लिखा है। बच्चों के लिए कविता गेंद निराली मीठू की तथा नाटक बच्चों का ब्रह्म राक्षस का नाई खास तौर पर बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है। इस नाटक के रंग निर्देशक, वरिष्ठ रंगकर्मी मुकेश शर्मा ने बहुत प्रख्यात लोगों के साथ, रंग निर्देशकों के साथ काम किया है, जिनमें बाबा कारंत, ब्रजमोहन शाह, राजेंद्र गुप्त आदि हैं। बहुत सारे नाटकों का आपने निर्देशन किया है और बहुत सारे नाटकों में आपने अभिनय किया है। इस अभिनेता और निर्देशक ने इप्टा के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में लगातार 3 वर्ष तक नाट्य कार्यशालाओं का काम मध्य प्रदेश में किया है। मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से भी एक कार्यशाला शिवपुरी में की है और इसके साथ कुछ नुक्कड़ नाटक और कुछ नुक्कड़ नाम की प्रसिद्ध जो एक सीरियल थी उसकी राइटिंग में भी इनकी बहुत भूमिका रही है और भी कुछ फिल्मों के निर्देशन में सहायक के रूप में और लेखन के रूप में आप जुड़े हुए हैं। जहां तक पांसे का सवाल है, पांसे महाभारत के ऊपर आधारित नाटक है, लेकिन यह महाभारत वह नहीं है जिससे हिंदी के लोग या हिंदी के पाठक परिचित हैं। यह कुछ भिन्न किस्म का पाठ है। महाभारत के कई सारे पाठ हैं, हमारे मिथकों में बहुत सारी चीजें हैं। महाभारत को इतिहास कहा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग उसे मिथिहास भी कहते हैं, यानी मिथक का इतिहास उसे भी कहते हैं। तो ये नाटक पांसे कुछ भिन्न है। उड़िया भाषा में कवि सारला दास का आख्यान, उसके ऊपर यह नाटक है। और इस नाटक की विशेषता मुझे लगता है कि आप इसको देखने के बाद ही अनुभव करेंगे, क्योंकि इसमें महाभारत में वह सब नहीं होता है जिससे हम लोग आमतौर पर परिचित हैं। तो बहुत शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत है पांसे। नमस्कार, आप सबका स्वागत। दरअसल नाटक में अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे लिए अभिनेता ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि जितना महत्वपूर्ण एक अभिनय का है या अभिनय कलाकार का होता है, उससे कहीं ज्यादा जो है बैकस्टेज में जो मेरे साथी रहते हैं उनका होता है। इसलिए कल जो अभिनय कर रहे हैं उनका परिचय तो मैं आपको बाद में कराऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बैकस्टेज के कलाकारों से आपका परिचय कराना चाहूँगा और उनका सम्मान करना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि इस नाटक के लेखक राजेश जोशी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हें आग्रह करूँगा कि वे मंच पर आएं। लेखक का अगर आलेख ना हो तो कोई निर्देशक कुछ नहीं कर सकता, कोई अभिनेता कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले जो है हम लेखक का सम्मान करना चाहेंगे। नाटक भी शुरू करना है, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मेरे किरदार हैं, मेरे साथी हैं, जिनका कि अभी आप कौशल देखेंगे, वो हैं श्री हेमंत देवलेकर, जिन्होंने
इस नाटक का संगीत दिया। नाट्य संगीत में विशेष तौर पर इनका विशेषज्ञता है। आप देखेंगे कि नाट्य संगीत एक अलग बाकी चीजों से कैसे आज हटके इन्होंने दिया है। हमारे इस नाटक के मुख्य गायक या नैरेटर कहिए रवि, नाटक में ताल पर संगत कर रहे हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ और प्रसिद्ध कलाकार श्री रवि राव। मंच व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था बेसिकली डिजाइन किया है मेरे दोस्त जिनसे आप सब परिचित हैं, बंटी मनु जोशी बंटी, लेकिन व्यस्तता के कारण अपने घर की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो आज हमारे बीच में इस पर तो पर इसका संचालन प्रकाश का और आज भी मंच जो भी बनाया है वो ताना जी ने बनाया है। मैं ताना जी का और प्रकाश का जो जादू देखेंगे आप ताना जी का वस्त्र भूषण सोनो आइए। Thank you.
मारे गए हम छल से बिना अन्न जल के, क्या अपराध था हमारा? अपने निरपराध पिता और निर्दोष भाइयों के वध का बदला लेना, धूल में मिलाकर धृतराष्ट्र का वंश करना हमारा श्राद्ध, तभी और तभी हमें जलांजलि देना, बदला लेना, बदला लेना, बदला लेना, बदला लेना। दूर कुरु पर्वत की चट्टाने टूट रही है, श्रेष्ठ जनों की शासन व्यवस्था में अनिवार्य है युद्ध, अपरिहार्य है युद्ध। अंधे नहीं कर सकते शासन हमेशा, अंधों को पराजित होना ही होता है। प्रतीक्षा थी जिसकी वर्षों से, लो आ पहुंचा है वो क्षण। फेंको पासे आ पहुंचा है वो क्षण। प्रतिशोध लो, प्रतिशोध लो, प्रतिशोध लो, प्रतिशोध लो। रोक नहीं सकता कोई इतिहास जिस नियति को, स्वयं पांडव भी नहीं, क्योंकि काल से नहीं कर्म से बल से निर्धारित होगी वो। इस करवट में मनुष्य को करना है हस्तक्षेप। देवताओं के दिन गए, नैतिकता के, धर्म के, अधर्म के सारे प्रतिमा हस्तिनापुर को जड़ना ही होगा। प्रतिशोध लो, प्रतिशोध लो, प्रतिशोध लो। निज संपत्ति की इस कलह में हस्तक्षेप मेरे पास है। पासे, लेखक राजेश जोशी, निर्देशक मुकेश शर्मा और कलाकारों का परिचय आपके हाथ में है फोल्डर की शक्ल में, अंत में उनसे भी आपका परिचय कराया जाएगा। लीजिए पासे। प्रस्तुत करते हैं हम नाटक कृष्ण राधे भजो।
आज्ञा दे तो मैं सारथी को द्वार पर रथ लगाने का आदेश दूंगा। नहीं अभी नहीं, अभी मुहूर्त नहीं है।